देना नहीं है, स्कूल का काम पेरेंट्स को भी शिक्षा देना है। अंग्रेजी भूगोल गणित नहीं पढ़ाना पेरेंट्स को, लेकिन पेरेंट्स को यह बताना है कि आप अपने घर में अच्छे संस्कार बच्चों को दीजिए, बहुत आवश्यक है। उन्हें बार बार याद दिलाना है, आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा यदि आप संस्कार अच्छे नहीं देंगे, तो यही बालक आपके लिए विनाश का कारण बनेगा, आपके परिवार की बर्बादी का, आपके परिवार के लिए अशेम का कारण और शर्म का कारण बनेगा बालक आपका, यदि आप उसे संस्कार नहीं देंगे। पेरेंट्स को ये बातें बताना बहुत जरूरी है और समाज के लिए भी जरूरी है, समाज को भी मार्गदर्शन विद्यालय ही देते रहे हमेशा से। तो बस मुझे इतना ही कह के मैं आज की मुख्य अतिथि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ज़हनियत को बदलना होगा और ज़हनियत को बदलने के लिए हमें स्कूल को बदलना होगा, हमें विद्यालय के वातावरण को बदलना होगा और प्रारंभ से ही क्लासरूम टीचर्स नीड टू प्रैक्टिस पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ एनकरेजमेंट एंड पेरेंट्स नीड टू प्रैक्टिस पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ एनकरेजमेंट इन द फैमिली। तो कौन सा एनकरेजमेंट? वो एनकरेज करना है बच्चों को कि वे आध्यात्मिक बने, वे समाज के प्रति उत्तरदायी बने, वे अपने जीवन में अच्छे गुण पैदा करें। इन चीजों की तरफ हमें ज्यादा दृष्टि देनी पड़ेगी और पढ़ाई और इन तीनों में संतुलन करना होगा। धन्यवाद। मैं गांधी जी की बात में हां मिलाते हुए कहती हूं कि जब से समाज में आध्यात्मिक शिक्षा की कमी आई है, मटेरियलिज्म बढ़ा है, वैसे वैसे औरत को भी मटेरियल मान लिया गया है। हमें सबको आध्यात्मिक शिक्षा देनी है और वो शिक्षा आध्यात्मिक घरों से और स्कूल से होती है। आजकल स्कूलों में भी नहीं होती और घरों का तो मुझे पता नहीं। तो हम स्कूल वाले हैं, हमारे यहाँ 54,000 बच्चे पढ़ते हैं। हम परम आदरणीय अपनी आदरणीय हृदय सम्राट हमारी जो बहन है उनके चरणों में हम आध्यात्मिक शिक्षा देने का जो कर्म काम कर रहे हैं वो अर्पित करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि एक ही इलाज है और वो इलाज है आध्यात्मिक शिक्षा और मटेरियलिज्म को ही सब कुछ नहीं मान लेना। थैंक यू। वी थैंक द फाउंडर डायरेक्टर एंड द फाउंडर मैनेजर। अ फिल्म ऑन श्रीमती भावरी देवी। टुडे वी आर लुकिंग एट अ वुमन हुज नेम इज सिनोनिमस विद द वुमेन्स। कहा ना उत्पीड़न की कहानी बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, गत वर्षों में ही देख लें तो रूह कांप उठे। ये दलित महिलाएं हैं जिन्होंने एक बड़े घर में शादी रोकने की कोशिश करी, उसके बाद इनके साथ जो जो हुआ कहने की जरूरत नहीं, सर्वविदित है, परंतु उसके बाद भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। और सीएमएस की तरफ से, क्योंकि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कथनी और करनी में अंतर नहीं रखता, यदि हमें इन्हें आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है और हमें दिखाना है कि हम इनके साथ हैं, तो 500 रुपए महीने से भला क्या होगा। 1,00,000 रुपए का चेक गांधी सर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की टीचर्स की तरफ से भावरी देवी को दे रहे हैं ताकि उनकी उनकी ये लड़ाई जारी रहे। मैं सम्मान से जीना चाहती हूं, मैं इज्जत से जीना चाहती हूं, हक है उनका। और वो भी राजस्थान में, मेरी पैदाइश राजस्थान की है, पधारो मारे प्रदेश, वहां इन कुरीतियों से लड़ने के लिए कितनी, उस मानसिकता से लड़ने के लिए कितनी संघर्ष और कितनी मुश्किलों के बावजूद मुस्कुराता हुआ चेहरा है इनका। तो क्या भूल जाए ना वो अबला जीवन, हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, वो पुरानी बात हुई, ये सबला है। और यदि हम जोरदार तालियों से कर्तव्य ध्वनि से इस प्रेक्षागृह को गुंजाकर उन्हें ये अपनी ओर से उनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो कम होगा। जोरदार तालियां। 90% से अधिक हम महिलाएं यहां, क्या एक महिला जो खड़ी हुई है राजस्थान में, मैं इनके लिए एक शेर पढ़ती हूं। नजर नजर में उतरना कमाल नहीं, भावरी जी के लिए, नजर नजर में उतरना कमाल नहीं,
नफस नफस में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और आप है हमारी प्रेरणा की शोक, भामरी देवी जी, जिनको की हमारी परम आदरणीय श्रीमती साईदा फातिमा जी, शादाब फातिमा जी उनको ऑनर कर रही हैं। मैं समझती हूँ कि इतनी महान हस्ती पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी जो कि मैं अपनी महिला कल्याण मंत्री में पाती हूँ और उनके लिए मैं हर उनके इशारे पे चलना चाहती हूँ। इतनी महान महिला है वो, और साथ में खड़ी है श्रीमती मंगलम, जिनका नाम ही मंगलम है, तो क्यों ना स्त्रियों का भाग भी ऊंचा उठेगा। कहते हैं नारी हो तुम, अरे नरेश के पास तुम्हारे धैर्य दया ममता बल है विश्वास तुम्हारे। नारी में चार गुण पुरुष से ज्यादा होते हैं, धैर्य दया ममता और दूरदृष्टि। उसे पता लग जाता है आगे क्या होने वाला है। कभी उर्मिला, कभी लक्ष्मीबाई, और कभी अहिल्या, और कभी पन्ना, और कभी जीजाबाई अपने बलिदानों से इतिहास लिखा रहे। नारी हो तुम, अरी नारी, अरी माने दुश्मन, सबको प्यार करती है नारी, अरी न रह सके पास तुम्हारे। अबला नहीं, अबला समझते हैं लोग, अबला नहीं बला सीता का रूप भावना नहीं। पहचानो भवारी देवी को, पहचानो अपनी अद्भुत कर, अपनी अद्भुत क्षमता कल्याणी, बड़ो बना दो विश्व एक प्यार सगारे। नारी अगर चाहेगी तो विश्व में एकता आ जाएगी, प्यार आ जाएगा, आध्यात्मिक आध्यात्मिकता आ जाएगी, क्योंकि नारी भूल गई है कि बच्चे को महान बनाने का उसका ही दायित्व है। अबला नहीं बला सीता का रूप भवानी, पहचानो अपनी अद्भुत क्षमता कल्याणी, बड़ो बना दो विश्व एक परिवार सगारे। सारे दोष खत्म हो जाएंगे सारे विश्व को, नारी 5 साल तक बच्चा उसके गोद में रहता है वो बना सकती है। अंतिम है, बिल्कुल अंतिम, ध्यान धरो, महिला हो तुम, मही हिला दो, मही प्लस हिला, जमीन को हिला दो। महिला हो तुम, मही हिला दो, सहो न शोषण, अत्याचार न होने दो, दुष्टों का पोषण, अन्याय अन्याय मिटा दो, चला तू धारे। नारी के पास दो धारी तलवार है, एक भौतिक की, चाहे घर में रोटी। आप ही मारी तरफ से सबने, भाई ने, बहन ने, सबने मारो नमस्कार। मैं यह तो जानू को नहीं भाई कछा कछा अधिकारी जे कछा कछा काई जे, तो अधिकारी ने नहीं, छोटा सुलेर बड़ा तक ने मारो नमस्कार। बड़ा ने तो सभी दुनिया करे नमस्कार, पर छोटा ने भी, छोटी समाज ने, छोटा बच्चा ने, कोई ने बहन, तो वहां ने नमस्कार करना चाहिए। अब ये चे नारी को सम्मानित करो, फलानो करो, ढीको करो, वह तो आपने सब सुन लिया, पर सम्मानित असी करो नीका, अगर आपनी जड़ जमे अया नहीं। नारी चे जे एक तरफ से तो अत्याचार करा रही चे, आदमी अत्याचार करा रहा चे, तो उनकी समानत नहीं करे, उनकी सुधार लेना चाहिए। भाई सुधार कहीं लेना चाहिए, घर में पूरा बच्चा जने खूब हुआ है, वहाँ का अधिकार है, तो वहाँ बच्चा ने भी सारो पेट पालन करावा, कमावा भी, वहाँ को गुमूत भी खावा, और फिर बड़ा आदमी है जाओ तो वहाँ टोरा देर काट दे, तो वह अशो नहना चाहिए। औरता ने भी सम्मानित मिलना चाहिए, माँ बाप का कोई धनी को नहीं, तो उन्हें धनी बनना चाहिए बेटा ने। बेटो क्यों, लड़की तो एक बहुत मजबूती होती है भाई, दो ठोर नाव चलाती है, तो दो ठोर नाव चलाओ जाए तो वह एक तरफ से अत्याचार कहीं है यो, अग भाई काका भी साथ में वो अत्याचार कर रही है, भाई भी कर रही है, तो वह आपा में कमी चापा में शक्ति आनी चाहिए। क्यों, ये भाई है मारा तो ये मेरा साथ में खोटा कर्म क्यों करे, काई मारा हाथ में वाचे के मारा हाथ में मजबूती सड़क जूता मारे क्यों, काई कमी चापा में कमी चाहिए, नहीं वो कमी ना नकारना चाहिए, आपा लालच में नहीं आना चाहिए, आपा कोई भी कमी नहीं दिखानी चाहिए आपा ने, आपा में या कमी चापा में शक्ति से सब तम मजबूती से उनको सामना न करेगा ना, तरह आपा ने कोई न्याय नहीं मिलेगो, सरकार की तरफ से भी कौन मिलेगो, घर खान की तरफ से भी कौन मिलेगो, आपा ने पूरी बच्ची लड़की जने तो लड़की सुलेर आपा बड़ी औरत है जावा, तरह आपा ने न्याय मिलेगो, आपा सामना करांगा जदी, नहीं तरह न्याय नहीं मिलेगा आपा ने,
कानून सरकार कतरो ही बना दो, कानून कतरो भी कर दो, अपने सरकार कानून बना दे जो कि लागना नहीं करे, कत्ता ही लागना को करे भाई, या काम अपन पेट दया चे तो ये कि लागना करा, पुलिस भी चोर हैगी, सरकार भी चोर है गयो, कहीं आ गयो, आके बच्चान के ताई पोसार धारियो, तो भैंसा खारी चे, पाड़ा खारिया चे, मनख चे जिन देरिया कोनी परचेता आवेगी, परचेता से जे बहुत अच्छा काम करती है, सुपरवाई आओगा तो सुपरवाई आओगी तो नर्द आंगनबाड़ी आ रही रांध लेगी पोसार और फिर बाद में जाओ बाहर में, तो बच्चान की शक्ति कोड़ा सा होगी, लड़कियां की शक्ति कोड़ा सा होगी, स्कूल में बस टारकान हो रही हो चे आराम से खुर्ची लगा सोए मास्टर क्यों सोए काई कमी पे सोए फटाव लिखा हो सरकार का पीछा खावा जा वहां की तरी शक्ति मोहम्मद देव ने दे वो शक्ति ने जा सारा पूरा डिपार्टमेंट ला लिया पूरा डिपार्टमेंट ला लिया क्यों पूरी नंगे सामने मां के सामने आ रही छे अत्याचार मारा मारा यो छे तो मारी मैं भी इतरी छू आज कया मैं बार लिंगा नकली छू तो बार लिंगा नकली मैं सबकी शेर नकली छू भाई थे कतरा भी काई करेगा कतरो भी सामने करेगा तो मैं पाछी नहीं दू थे सामने कर लियो असे सब बहुत बुरी बुरी तरह से गति छू वो करी चे जी मैं आज नकल बार लिंगा आई छू मैं ते कतरा भी करो मैं आवाज उठाऊंगी मैं चुप नहीं रहूंगी मैं एक औरत कताई नहीं लड़ूंगी पूरी पब्लिक कताई लड़ूंगी चाहे भाई हो चाहे बहन हो अत्याचार नहीं सहूंगी कताई कौन सहूंगी मैं अत्याचार क्यों सहूंगी मुँह में शक्ति कौन कह अत्याचार सहती रहूंगी आज पूरी औरतों से जड़ार मार दे चे दहेज का कारण मार दे चे क्यों मार दे चे आप हम शक्ति कौन कह भाई दहेज कौन ले वहां पढ़ाई लिखाई में वह करो मदद करो माने तो पढ़ाई लिखाई में सब मदद कर रही है पर सरकार आपने नौकरी तो दे ही कौन रही ने पूरा ने देरी जगह नौकरी बताओ बोलो देरी जगह पूरा ने नौकरी तो देनी चाहिए सरकार सरकार में तो जे कचरो भरे तो दुनिया भर को तो वो पेट में समाओ और पेट में बात करो जदी तो आपने शक्ति मिलेगी नहीं शक्ति कौन मिलेगी कदे भी वही कचरा में घूमता रहा आप कचरा में से नकलो तो आपने शक्ति आपना हाथ पगा सु आप बंधन में कौन बंधा आप खुला रहेगा ने जदि आपने शक्ति मिलेगी We are extremely honored to welcome Honorable Madam Justice Gracilla Dixon, former Chief Justice of the Supreme Court of Panama. She has been to CMS for the Chief Justice's Conference 3 or 4 times. We are very honored to welcome her in this International Conference of Media. She invited me to Panama. She was at that time the not only the Chief Justice of Panama, but she was also the chairman of the International Association of Women Judges and, you know, of the whole world. And she had that international conference, so she invited me for that conference. The conference she organized was also on crime against women. She organized that conference, and I will request Madam Justice Gracilla Dixon to come on the dais and say a few words. Gracilla ji, can you come to the dais and say a few words? Because she also organized that conference. She organized that conference on crime against women. That was the topic on which that conference in Panama she organized, which I happened to attend, and which she invited me to attend in Panama. Honorable Madam, former President of the Association of Women Judges of the whole world. Dr. Gandhi, it's a great honor again to be here and a very fantastic pleasure. I have come from across the world to be here. You invited me and it was very, very hard to say no. coming to CMS is a yearly commitment. It has been
an opportunity to touch bases with many, many people from all over the world to address issues of major importance. In this occasion, I have traveled because the conference that is going to be held, it's an issue of today. It's about religions. I believe we all have a contribution to make, and in my little country, on the other side of the world, that's Panama, Central America, a very tiny little country of only 3.5 million inhabitants, we have had very interesting experience of bringing people together, of sharing, of understanding, despite differences, multicultural approaches. In this opportunity, now that we are discussing in this conference, this press conference about crime against women, I think it is also appropriate to address the audience, because crime against women is an issue, a worldwide tragical issue. And when we say crime, it's important to understand that we're talking about the wide scope of behavior that involves aggression and that leaves profound scars, not only upon the women who becomes victims, but the entire society. The question about the causes and how to prevent crime against women is very deep. We do have to discuss the causes, but more important is how and what are we going to do worldwide committed to stop it? How are we going to change people's minds, women and men, with respect to the crime that is being committed every second against women all over the world? Women are not an object. Women are 50% of human population. Women are essential for the development of all societies. It has been proven that when women are educated, number one, women transmit to their children all the knowledge that the family has accumulated and ancestors. But we also contribute to the building of a healthy society, and that's why education is number one issue, heading towards eliminating crime against women. I'm Chief Operating Officer of CMS. Principals, teachers, staff, students of my own extended family, CMS. Well, I have always been grateful to the founder of CMS for creating such opportunities.